रिजवाना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम दिखाएंगे ग्रोसरी से जो मैं राशन का सामान लेकर आई थी, तो मैंने आपसे बोला था तो मैं उसके बॉक्स आज शॉपिंग करके आई हूँ। वो आज मैं आप इस ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कौन से कलर के और कितने के परचेज कर आई हूँ और कितने बॉक्स लेकर आई हूँ। उसके अंदर मैं ऐड करूंगी कुछ राशन का सामान, जैसे कि दाल, चावल, दलिया, जो भी होता है किचन के आइटम, सारे मैं वो उस बॉक्स में रखूंगी। तो मैं वो आज दो कार्टन में लेकर आई हूँ। इस कार्टन में लगभग कितने हैं मैं आपको उससे उसमें बताऊंगी, दिखा देते हैं हम आपको। ये दो मैं कार्टन लेकर आई हूँ, ये देखिए इस तरह से लेकर आई हूँ। ये मैं इसमें सारे मसाले ऐड हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इससे पहले हम जो लेकर आए थे, ये जो बॉक्स खाली है, ये मैं पहले लेकर आई थी कि पहले देखेंगे कि साइज जो हमारे मसाले रखने का होता है इसका कितना इंच का है, कितना लेंथ है उसकी। तो मैंने वो ले लिया था, इसी वजह से इस बॉक्स में कम है, तो मैं पहले लेकर आ गई थी। जब भी मैं ये लेकर आई हूँ दो कार्टन, अब इसके अंदर होते हैं इस बॉक्स में दो दो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी के 9 हैं दो कार्टनों में, 18 हैं ये। एक कार्टन में 9 है और एक कार्टन के अंदर भी एक खाली है, इस तरह से ये 9 है एक कार्टन में। तो मैं दिखा देती हूँ कौन सा कलर लेकर आई हूँ मैं। ये देखिए सेलो कंपनी है, ये दो अलग अलग कलरों के हैं। ये इसकी सील खोल देती हूँ मैं। ये मैंने, ये देखिए कलर कितना अच्छा है, ये ग्रीन है, हाइट भी अच्छी है इसकी, अच्छे खासी जितनी मेरी, लगभग जहाँ मैं कबर्ड में अपने रखूँगी किचन में, तो ये बिल्कुल फिक्स बैठेगा। एक बॉक्स में दो हैं, ये दो हैं, तो इस हिसाब से मैंने लेकर आई हूँ मैं दो कलर इस तरीके से। ये एक कलर लेकर आई मैं, यानी कि 32 हैं ये, 30, एक इसके अंदर दो हैं, तो इसमें दाल, चीनी, चाय की पत्ती कोई भी हो, तो ये पर्पल कलर है। देखिए कलर देखिए कितना अच्छा है, बहुत खूबसूरत लगेगा जब ये मैं किचन में इसमें ऐड करूँगी सारी अपनी दालें, जो भी चीनी सामान जो होगा राशन का, तो ये इसमें मैं अब दालों के डब्बों में डब्बों में हम मसाले डाल देते हैं, दालें ऐड कर देते हैं और किचन में अरेंज करके हम आपको दिखाते हैं। ये मेरे किचन में कैसा लगेगा। रिजवाना ब्लॉग, सारे मसाले हमने अरेंज कर दिए हैं। एक साइड पे हमने मसाले स्पाइसी जो होते रखे हैं और दूसरी साइड पे हमने खड़े मसाले रखे हैं। सारे मसाले दिखाऊंगी, वो मैंने अरेंज कर दिए हैं। देखिए कैसे लग रहे हैं इसमें, ये देखिए सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। ये किचन मेरा रेनोवेट हुआ है अभी, तो मैं आपको पूरा अपना किचन टूर नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ मैं अपने मसाले जो मैंने अरेंज किए हैं सिर्फ आज मैं वही दिखाऊंगी। ये कुछ मेरे पुराने से इससे पहले वाले थे, ये मैंने यहाँ अरेंज कर दिए हैं इसे, और आगे भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये सूखे कुछ मसाले हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साबुत लाल मिर्चे और दालचीनी, सारे गरम मसाले, दलिया है, और ये देखिए सारे जो हमारे जूस में कम आते हैं वो मैंने लास्ट में रखे हैं। ये देखिए मटर हैं, राजमा, छोले, काले चने,
और मूंग, साबुत मूंग और पॉपकॉर्न के दाने, दलिया, ये सारे मैंने इस तरह से अपने किचन में अरेंज कर दिए हैं, जो मैंने आपसे कहा था। मैं आज अपना किचन टूर नहीं दिखाऊंगी, जितना है मैंने बर्तन कुछ अरेंज नहीं करे। न्यू, ये किचन मेरा न्यू है, रेनोवेट किया है अभी मैंने। बर्तन मैंने अभी अरेंज कबर्ड में नहीं रखे, जिस तरह से मैं दिखाऊंगी और आगे भी दिखा देती हूँ। मैंने अपने ये देखिए चने की दाल और ये मसूर की, मूंग की, लाल दाल, ये सारे जो बॉक्सेस है इसमें मैंने 1 किलो की दालें हैं सब इस बॉक्स में आराम से आ गई हैं। साबुत दाना है, सौंफ, पास्ता, सोयाबीन, तेजपात के पत्ते, ये एक पाइप लगा हुआ है उसके नीचे, ये देखिए, ये मेरे पुराने जो किचन था उसका पाइप मैंने नीचे लगा दिया है, इसमें अरेंज कर दिए। पुराने बॉक्स देखिए मेरे, ये भी मेरे ज्यादा पुराने नहीं थे। मेरा इससे पहले जो किचन था वो भी 2-2.5 साल पहले रेनोवेट मैंने करवाया था, मगर कुछ सीवर लाइन की वजह से मैंने कुछ तोड़वाना पड़ा, तो मैंने ये बॉक्स, मुझे मेरे न्यू थे, मैंने इसे धो के इस तरह से यहाँ कुछ जो कमरे गई थी, मसाले हैं, कुछ सौंफ और ये दही बड़ों का मसाला और ये किशमिश काली और ये अभी थोड़ी सी है काजू और ये बादाम, कुछ बॉक्स खाली हैं, मेथी दाना है, ये चाट मसाला, ये हैंड टू हैंड किचन में प्लेटफॉर्म के बैक साइड पे मैंने ये पाइप करके हैंग कर दिया है। ये देखिए, ये काला नमक, थोड़ी पिसी हुई लाल मिर्च यहाँ रख दी ताकि हैंड टू हैंड मैं ले लूँ। और ये देखिए फूड कलर है, साबुत धनिया, ये मेरे पुराना जो किचन था उसके बॉक्स हैं। अब मैं अपना किचन टूर जब आपको दिखाऊंगी, जब मैं आपको पूरे अरेंज करके जो बर्तन है मेरे सारे जब दिखाऊंगी अपना किचन टूर। और ये बताइए, ये मेरे बॉक्स मेरे किचन में कैसे लग रहे हैं? कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए रिजवाना ब्लॉग को। और ये बताइए कि मेरा जो थोड़े से टाइल्स नज़र आ रहे हैं अभी किचन के, ये कैसे लग रहे हैं? और ये बॉक्स दालों के, मसालों के कैसे मैंने अरेंज करा है? चलिए, हम जब भी अपने किचन टूर देखेंगे इसके बाद, तो मैं बर्तन कैसे अरेंज करूंगी मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी कि मेरा किचन कैसा रेनोवेट हुआ है। चलिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करिए कि मैं ये अरेंज जो करा है मैंने दालें मसाले, ये कैसा लगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले व्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर।